जाता है? मुश्किल तो होता है, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़, बिकॉज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वेदर यू डूइंग द राइट थिंग, वेदर यू जजिंग राइट, बींग इम्पार्शियल, तो कभी कभी मुश्किल होता है, बट आई लव इट, इट्स फन. दोनों क्वालिटीज चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए और एक डिवा होनी चाहिए, बट आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन. आई थिंक बींग स्टाइलिश is it's a word used all the time, but I think either you have it or you don't. No matter what you do, you can try, but it's like I said, you either have it or you don't. Like aisa kaha ja sakta hai lakhon logon mein se ye 16 jo models hain ye right jeans ki aayi hui hain, aur itne sare talents mein se itne chote se aur talent ke hain, aur inhi talent mein aur chhaad ke aapko ek nikalna hai, to taiyari karte hain aap? आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया अभी. आई एम वेरी नर्वस, ये सब बोलने के बाद तो पता नहीं क्या होगा अंदर, पर जैसे मैंने कहा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग इनसाइड ओवर देयर एंड सीइंग द फेमिना स्टाइल डिवास एंड हाउ स्टाइलिश दीज डिवास आर गोना बी, और फिर देखा जाएगा कि कौन यहाँ से अव्वल आएगा. I'm excited to be here at the Style Diva, Femina Style Diva, not only because of the way these girls look. I think it's their mind. I think that they are talking, they've come here with you know, the freedom of expressing their mind, and that's what I'm interested to see, because they're the youth, and so it'll be fun to watch that. Yeah. Ma'am, aap judge kiye hain, aap isko anusar apne design ke liye rakh liye hain ki kaun kaun si aisi qualities hongi jahan pe aapko logo judge karna hai. Ji, yes. I think that sabse important hai wo unki wo jo, there's a spark. I don't know how what you would call it in Hindi, but it's a sparkle that you would see, you know, in the person's expressions. And I think that beyond looks, that is very important for every individual. And I'm looking forward to finding that today. Yeah, just now you said that there's something about expressing yourself. Yeah. So how do you express yourself if you want to say something? I think I express myself best with my work, and because my work is my passion. And I think anybody who has a passion with something will express themselves through that. Thank you. Please देखिए और बताइए कैसी लगी. ये तो शानदार शाम है ही है, तो अभी अंदर जाके देखते हैं और क्या माहौल बन रहा है. वो पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा मुश्किल होता है जज करना. आपने कभी से पार्टिसिपेट? मैं उनसे ज़्यादा नर्वस हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे जज करते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत है कि वो लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. सो आई थिंक जजिंग इज़ द मोर डिफिकल्ट थिंग देन पार्टिसिपेटिंग. बट अगेन, आज भी बॉलीवुड में से कौन ऐसे दो एक्टर्स हैं आपके हिसाब से, नॉट आलिया और शाहिद? अरे पूरा बॉलीवुड ही एकदम स्टाइल है. मैं आई हैव नो दिस थिंग तजुर्बा कि मैं उस पर कॉमेंट कर सकूँ, बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्टाइलिश इंडस्ट्री. एवरी वन रियली गॉट देयर ओन स्टाइल, दे गॉट देयर ओन वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, वेयरिंग क्लोथ्स. So I think everyone has their own space, which is really good. मैं सारा कुछ बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आपको भी कुछ देखना चाहिए कि क्या होने वाला है. बट हमने 16 लड़कियों को ट्रेन किया है, नई लड़कियाँ हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ मॉडल्स को पता नहीं होता है कहाँ कॉन्टैक्ट करें, कहाँ जाए, कैसे चले, तो ये पूरा सिखाते हैं हम. एंड एक लॉन्च पैड होता है उनके लिए, तो ये उनके लिए ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है कि जो जानते नहीं है कहाँ जाए क्या करे, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. बट मैम, नए लोगों को सिखाना, यू नो, कैसे दोबारा, तो कितना मुश्किल हो जाता है, कितना आसान हो जाता है? एक तो नए लोगों के पास आजकल कोई नया नहीं होता है, क्योंकि इतना सोशल मीडिया बढ़ गया, यूट्यूब ये सब वगैरह, तो सारे लोग सब देखते हैं. कभी कभी बहुत गलत चीज़ें भी सीखे आ जाते हैं, तो वो गलत चीज़ें हमको बोलना पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है, मगर वो ऑलरेडी हैबिट बन चुकी होती है, तो वो हैबिट तोड़ के नया सिखाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और कोई कोई एकदम रॉ होते हैं, तो उनको सिखाना बहुत ही आसान हो जाता है. तो एक तरफ अच्छा भी है, एक तरफ बुरा भी होता है. तो मैं कभी पर्सनल फेवरेट्स नहीं करती, क्योंकि जब मैं सिखाती हूँ सब लोगों को, तो सभी बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो तब किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा आता है, वो ही दिखता है.
तो आई डोंट थिंक पर्सनल फेवरेट्स अच्छा भी है एंड मेरे लिए सभी सेम है क्योंकि मुझे मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सीखे और सब कुछ कर पाए। आई थिंक बहुत मुश्किल होता है बिकॉज एवरीबडी वर्क सो हार्ड टू पुट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, तो ऑब्वियसली आप सोचते हो कि यू नो हर इंसान ने इतना अच्छा काम किया है तो चूज़ करने को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक आज की रात पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई विल बी लुकिंग फॉर समबडी हु हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। फैशन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दो चीज मतलब दाइने में रख के फिर आई विल बी चूजिंग पीपल। आई थिंक आजकल तो हर एक्टर के पास पर्सनैलिटी है और एटीट्यूड है और बहुत अच्छी स्टाइल सेंस है। देखो तो नए लॉट के एक्टर्स शुरुआत से ही सबको पता है कि ये फैशनेबल है और ये उनकी स्टाइल है, सो उनके स्टाइलिस्ट भी बहुत वेल ट्रेंड है और वेल वर्ड्स है फैशन फोकस करके। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बहुत आते हैं, उनको पुश करते हैं। सो आई थिंक टुडेज न्यू एक्टर्स यू नो इवन द वंस विच आर देयर फ्रॉम शिल्पा शेट्टी, बिपाशा, कैटरीना टू दीपिका टू प्रियंका, एवरीबडी इज़ वेरी वेल ड्रेस। कंगना इज़ वेरी, शी हैज़ ओन पर्सनैलिटी, सो हर अपनी एक पर्सनैलिटी लेके पुश कर रहे हैं। आई थिंक येस आई एम वेरी बायस टूवर्ड्स बिपाशा बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड और आई नो हर सिंस 12 ईयर्स। शी इज़ वन वुमन वो जो इंडियन में भी बहुत खूबसूरत और इंडियन दिखती है और वेस्टर्न पहने की तो बहुत सेंशुअल और सेक्सी दिखती है।